हमारी चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, आज हम बेलपत्र के फायदे के बारे में बात करेंगे। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाया जाता है और सावन मास के दौरान इसकी विशेष महिमा होती है। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। बेलपत्र का एक वृक्ष होता है जो कांटेदार होता है और इसके पत्र भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। इसको तीन तीन जोड़े में पत्र लगते हैं। बेलपत्र के वृक्ष पर बड़े बड़े गोल आकार वाले फल होते हैं। यह शीतल प्रकृति के होते हैं और पेट की कई बीमारियों को दूर करता है। आयुर्वेद में बेल वृक्ष के सारे पंचांग का उपयोग किया जाता है, इसकी जड़, तना, छाल, पत्ते और फल। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको सिर्फ बेलपत्र के फायदे के बारे में ही बताएंगे। बेलपत्र पूजा के अलावा भी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि बेलपत्र हमारी सेहत के लिए किस प्रकार से लाभकारी होता है। दोस्तों, बुखार होने पर बेल की पत्तियों को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर दिन में दो बार सेवन करने से बहुत फायदा होता है। यदि मधुमक्खी या किसी कीड़े ने काट लिया हो तो ऐसी स्थिति में बेल पत्तों को कुटकर उसका रस निकालकर उस जगह पर लगाने से जल्दी ही फायदा होता है और जलन दूर होती है। यह हृदय रोग में काफी लाभकारी होता है। इसके लिए ताजे बेल पत्रों का काढ़ा बनाकर दिन में दो बार सेवन करने से हृदय मजबूत बनता है और हार्ट अटैक का खतरा टलता है। यह श्वास रोग में भी काफी फायदेमंद होता है। श्वास रोग की समस्या होने पर बेल पत्तों का ताजा रस निकालकर सुबह शाम पीने से काफी लाभ होता है। दोस्तों, गर्मी के मौसम में कई लोगों को अक्सर मुंह में छाले हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कोमल कोमल बेल की पत्तियों को मुंह में चबाने से छाले नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, मौसम बदलने के साथ ही सर्दी, जुकाम और बुखार होना एक आम बात है। ऐसे में ताजे बेल पत्रों का रस निकालकर शहद मिलाकर दिन में दो बार सेवन करने से जल्दी ही आराम होने लगता है। दोस्तों, बेल पत्रों का रस पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं और आंतों के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा छोटे बच्चों को दस्त की समस्या होने पर बेल पत्रों का 1-2 चम्मच रस पिलाने से फायदा होता है। दोस्तों, यह मधुमेह में लाभकारी होता है। मधुमेह में बेल के ताजे पत्रों को 10 ग्राम की मात्रा में लेकर पानी के साथ पीसकर 5 काली मिर्च का चूर्ण मिलाएं। इसे पानी में घोलकर सुबह खाली पेट सेवन करें। इससे मधुमेह में लाभ होता है। इसके अलावा बेलपत्रों का 10 ग्राम रस सुबह खाली पेट सेवन करने से भी मधुमेह में फायदा होता है। महिलाओं में श्वेत प्रदर यानी सफेद पानी की समस्या होने पर बेलपत्रों के ताजे रस के साथ शहद मिलाकर दिन में दो बार सेवन करने से काफी फायदा होता है। दोस्तों, इस जानकारी को अपने मित्रों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।